क्या करते हो यहाँ पे तुम? पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो? नहीं। क्यों नहीं जाते हो स्कूल? मेरा आधार कार्ड नहीं है, कैसे होगा बनता है? इस 8 साल के बच्चे का आधार कार्ड नहीं है, ये पढ़ना चाहता है, ये स्कूल जाना चाहता है। चुनाव का मूड जानने हम चांदनी चौक निकले थे, हमने अपनी वीडियो समाप्त करी तो एक बच्चे ने हमसे गुजारिश की कि हम भी बोलना चाहते हैं। हमने ऐसी प्रतिभा का सम्मान किया और हम उसकी बात सुनने के लिए राजी हो गए। इस वक्त हम नई सड़क के पास है और ये बच्चा हमसे बात करना चाहता है। क्या नाम है तुम्हारा? दिनेश। क्या नाम? दिनेश। दिनेश, क्या करते हो यहाँ पे तुम? बैलून बेचता। अच्छा, बैलून बेचते हो। पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो? नहीं। क्यों नहीं करते हो पढ़ाई लिखाई? आधार कार्ड नहीं है। क्या? आधार कार्ड। थोड़ा तेज बोलो। आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड नहीं है तुम्हारे पास? क्या उम्र है तुम्हारी? मैं 8 साल का हूँ। 8 साल के हो। तुम्हारे माता पिता कहाँ पे हैं? कहाँ पे? उधर। थोड़ा तेज बोलो बच्चा प्लीज। आगे। आगे कहाँ के रहने वाले हो, यहीं के या फिर कहीं बाहर से? डरो मत, इस माइक से मत डरो, अपनी बात बोलो। यहीं का रहने वाले? यहीं के रहने वाले हो? बचपन से यहीं रह रहे हो? हाँ। अच्छा, तो कभी स्कूल नहीं गए आज तक? स्कूल कभी नहीं देखा आज तक? मैंने देखा। स्कूल में बच्चा बड़ा चंचल है, इधर देखिए। जो स्कूल आपको कभी जाना आना नहीं हुआ कभी? मतलब क्यों नहीं जाते हो स्कूल? मेरा आधार कार्ड नहीं है, कैसे होगा बनता है? आधार कार्ड नहीं है? क्यों नहीं है आधार कार्ड? माँ बाप ने बनवाया नहीं आपके? नहीं। क्यों नहीं बनवाया? ज्यादा पैसे लगेंगे। ज्यादा पैसे लगेंगे इसलिए आधार कार्ड नहीं बनवाया? और जैसा कि आपने देखा कि ये भारत है और भारत के दिल में, दिल्ली में, और दिल्ली के दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक में थे हम। ये छोटा सा बच्चा है 8 साल का, दिनेश, इसका आधार कार्ड नहीं है। सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं, डिजिटल इंडिया, आधार कार्ड से लिंक कर देंगे, पैन कार्ड से लिंक कर देंगे, इलेक्शन कमीशन को EPIC कार्ड आपका जो है वोटर आईडी से लिंक कर देंगे। इस 8 साल के बच्चे का आधार कार्ड नहीं है, ये पढ़ना चाहता है, ये स्कूल जाना चाहता है, लेकिन आधार कार्ड ना होने की वजह से ये स्कूल नहीं जा पा रहा है। इसके हाथों में फिंगरप्रिंट आ चुके हैं, ये इतना छोटा नहीं रहा कि इसका आधार कार्ड नहीं बन सकता, लेकिन नहीं है। ये सरकारों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, और बड़े बड़े वादे करने वाली सरकारों को और जमीनी स्तर के लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम सभी बच्चों को, 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है, लेकिन ये 8 साल का बच्चा अभी, इसको एजुकेशन प्राप्त नहीं हुई है। ये कैसे इस देश में सर्वाइव करेगा बिना शिक्षा के, इस बदलते दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में? जब मैंने इससे पूछा कि तुम क्या करते हो तो इसका जवाब था कि मैं बिजनेस करता हूँ, गुब्बारे बेचता हूँ। 8 साल का बच्चा बिजनेस कर रहा है। क्या यही हमारा देश है? क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही पार्टियां वादा करती हैं? क्या यही हमें आगे ले जाएगा? इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि सरकारें ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पे, बड़े बड़े वादे ना करके छोटे छोटे मुद्दों पे काम करेंगी, तब देश बदलेगा। कैमरे के पीछे है रोहित और मैं यश अवस्थी, रैप अप।